सो गाइस आप लोग देख सकते हो मैं सीएस में हीरोइक जा चुका हूँ। और गाइस आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा जो लोग ग्रैंड मास्टर में जाते हैं सीएस में, वो लोग जो पीसी प्लेयर के साथ खेल के ग्लिच यूज करते हैं उसके बारे में मैं गाइस आज आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो मैं हीरोइक लगाया है ना, ये मैंने कोई ग्लिच यूज करके नहीं लगाया, ये मैं एकदम फेयर प्ले करके लगाया, मतलब रैंडम बंदे के साथ गेम प्ले करके मैं हीरोइक आया हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने एक गेम प्ले किया था पीसी प्लेयर के साथ जो ग्लिच यूज करते हैं वो कैसे करते हैं, और गाइस आप लोगों को कैसे करना है मैं ये भी बताऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों को सबसे पहले कुछ टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा जो सीएस में कोई भी बंदा यूज करके हीरोइक मास्टर इजीली कर सकता है एकदम रैंडम बंदे के साथ खेल के। क्योंकि गाइस मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे बंदे के पास कोई भी पीसी प्लेयर दोस्त नहीं है, इसलिए गाइस जो मैं आप लोगों को आज टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा वो एकदम इजी है। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं, और गाइस हम बढ़ते हैं हमारे पहले ट्रिक्स के ऊपर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। देखो सबसे पहले गाइस आप लोगों को क्या करना है, आप लोग अगर अभी तक हीरोइक नहीं गए या हीरोइक हो चुका है मास्टर जा रहे हो तो गाइस आप लोगों को कैसे खेलना है, आप लोगों को ना सिंपल तरीके से स्क्वाड बनाना है, उसके बाद उस स्क्वाड में एकदम नॉर्मल बंदे को बुलाना है, जैसे कि वो बंदा गोल्ड में हो या तो प्लैटिनम में हो उस टाइप के बंदे बुलाना है, बस एक या दो बंदे बुलाना है, बस उसके बाद स्टार्ट कर देना है। तो स्टार्ट करने से क्या होगा गाइस, सामने जो स्क्वाड आएगा ना आपके एनिमी स्क्वाड वो एकदम नॉर्मल आएंगे जिनको आप लोग इजीली मार पाओगे। तो ये था सबसे पहला ट्रिक, ठीक है। उसके बाद दूसरे ट्रिक के बारे में बताता हूँ, ध्यान से सुनना। दूसरा ट्रिक ये है, जब भी आप लोगों का फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो सीएस में, ओके, तो गाइस आप लोगों को कुछ नहीं करना, चुपचाप से ध्यान रखना है ड्रॉप कहाँ पर गिर रहा है, ठीक है। जहां पर भी ड्रॉप गिर रहा है उधर जल्दी से जल्दी जाओ, जाके उधर से ड्रॉप लूटो, उधर से आप लोगों को ना कटाना या तो खंजर मिल जाएगा, ठीक है। वो गाइस लेके आप लोगों को बंदे के साथ फाइट करना है। गाइस ट्रस्ट मी, अगर आप लोगों के पास कटाना या तो खंजर आ जाता है तो आप लोगों को कोई भी बंदा हरा नहीं सकता, वो फर्स्ट राउंड आप लोग जीतोगे ही जीतोगे। आप लोग क्लिप पर देख सकते हो मैंने जितने भी मैच खेले फर्स्ट राउंड मैंने ही जीते, क्योंकि मैं सबसे पहले जाके ड्रॉप लूटता हूं, उधर से मेरे को कटना या तो खंजर मिल जाता है, और गाइस चारों के चारों बंदों को मैं अकेले मार देता हूं। जैसे कि आप लोग इस क्लिप पर देख सकते हो मेरे पास खंजर है, और गाइस एक बंदे को मैंने फटाक से नॉक कर दिया, उसके बाद मेरे स्क्वाड के हर एक बंदे मर गए, सिर्फ मैं अकेला था और सामने तीन बंदे थे। देखो कितने ओपी तरीके से इधर रुका मैं, बंदा आया मैंने खंजर से उसका हेड काट दिया, उसके बाद सामने और भी दो बंदे थे, मैं फटाक से सामने गया, सामने जाके एक बंदे को एक बार मारा बंदा नॉक, उसके बाद सामने जाके और एक बंदे को भी एक बार मारा बंदा नॉक, इस तरह पूरे स्क्वाड को मैं अकेले फिनिश कर दिया सिर्फ खंजर के मदद से। उसके बाद गाइस और एक क्लिप पर देख सकते हो, ये दूसरा एक मैच था, इसमें भी मैंने पटाक से जाके एयर ड्रॉप लूटा, उधर से मेरे को खंजर मिल गया, और गाइस बस इस खंजर के मदद से मैंने बंदे के सामने गया, बंदा घर के अंदर था, गाइस घर के अंदर जाके बस देखो आप लोग कितने आसानी से दो बार ही मारा, दो बार में दो दो बंदे नॉक, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को मैंने पूरा फिनिश किया, इसको तो पूरा फिनिश किया, फिनिश करके खिड़की से मैं बाहर निकला, निकल के मैं देख रहा था कहाँ कहाँ पर बंदे, देखो बंदे लोग मेरे को डैमेज दे रहे हैं लेकिन कोई भी डैमेज मेरे को नहीं लग रहा। उसके बाद मैं गाइस इधर आके एक बंदे के पीछे लग गया, और गाइस इसको भी मैंने पटाक से नॉक किया, उसके बाद गाइस लास्ट बंदा बचा था उसको भी मैंने ओपी तरीके से जाके कंजर से एक बार में खत्म कर दिया। इस तरह गाइस मैंने फिर से चार बंदे को अकेले मार दिया बस एक कंजर से। सो गाइस आप लोगों को यही मैं बताने चाह रहा हूँ कि अगर आप लोगों के पास फर्स्ट राउंड में खंजर या तो कटाना आ जाता है तो गाइस पूरे स्क्वाड को आप अकेले मार सकते हो, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टिप्स है। अगर आप लोग पहले राउंड को जीत जाते हो ना गाइस उसके बाद बहुत ज्यादा इजी हो जाता है पूरे मैच को जीतना, ये एकदम इजी है, आप लोग करके देखो एक बार ट्राई करके देखो, ये बहुत कमाल का ट्रिक है। ओके तो गाइस हम लोग बढ़ते हैं हमारे तीन नंबर ट्रिक्स के ऊपर जिसके बिना ये फर्स्ट राउंड जीतना इम्पॉसिबल है, और वो है गाइस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीएस रैंक के लिए। तो गाइस इसलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को चार ऐसे कैरेक्टर्स की कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो ना इस बार सबसे ज्यादा खतरनाक होगा एंड सबसे बेस्ट होगा। ओके तो गाइस इस कॉम्बिनेशन में आप लोगों को सबसे पहले एक्टिव स्लॉट लेना है, तो एक्टिव स्लॉट में गाइस आप लोगों को लेना है तत्सुआ कैरेक्टर। गाइस फ्री फायर में अभी के टाइम ना सबसे खतरनाक कोई अगर कैरेक्टर है वो है गाइस तत्सुआ कैरेक्टर, क्योंकि तत्सुआ कैरेक्टर के मदद से आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे कि बंदे के ऊपर रश कर सकते हो, जैसे कि बंदे से बच के भाग सकते हो, एयर ड्रॉप लूट सकते हो, भाई बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे
देखिए गाइस, आप लोग इस क्लिप पर देख सकते, बंदा मेरे सामने था, उसके बाद मैं फटाक से तत्सुआ कैरेक्टर को यूज करके उसके सामने गया और बंदे को डैमेज दिया, बंदा खत्म। तो ऐसे करके आप लोग किसी भी बंदे के ऊपर रश कर सकते हो। उसके बाद इस क्लिप पर आप लोग देख सकते, राउंड की स्टार्टिंग में बंदे लोग आके कवर लेके बैठ गया और गाइस इधर से मैं तत्सुआ को यूज करके एकदम फटाक से उसके सामने चला गया और जाके बहुत ही ओपी तरीके से ग्रेनेड होकर के मारा और बंदा एक नॉक, और दूसरा बंदा इधर आया ओपी तरीके से उसको डैमेज दिया। तो इस तरह गाइस आप कोई भी बंदे को सरप्राइज देके मार सकते हो। तो इस तरह गाइस आप लोगों को तत्सुआ मदद करेगा इस सीजन में, ओके। एंड तत्सुआ का अच्छे से यूज करने के लिए और इस कॉम्बिनेशन को खतरनाक बनाने के लिए गाइस आप लोगों को इस कॉम्बिनेशन में सेकंड जो कैरेक्टर लेना है वो लेना है गाइस अल्वाडो कैरेक्टर। भाई साहब मैं आप लोगों को बताता हूँ, ग्रैंड मास्टर अगर आप लोगों को जाना है तो अल्वाडो करेक्टर आपके स्क्वाड में आपके पास रहना चाहिए। और अल्वाडो का काम क्या होता है गाइस, ग्रेनेड मारना। अल्वाडो करेक्टर को अगर आप लोग अपडेट कर लेते हो गाइस बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। आप लोग एक ग्रेनेड मारोगे लेकिन तीन ग्रेनेड जाके गिरेगा। आप लोग क्लिप पर देख सकते हो मैंने कितने खतरनाक तरीके से हर एक टाइम एकदम स्टार्टिंग में बंदे लोगों को क्या ही खतरनाक तरीके से मार रहा हूं। जहां पर देख रहे हो बंदा एक दो है, आराम से ग्रेनेड हुक कर रहा हूं, तीन ग्रेनेड जाके गिर रहे उसके ऊपर और बंदा फिनिश। तो ऐसे करके ना आप लोग इजीली किसी को भी मार सकते हो इस अल्वाडो करेक्टर के मदद से। स्पेसिप स्लॉट में आप लोगों को सेकंड जो करेक्टर लेना है वो है गाइस सोनिया करेक्टर। और सोनिया करेक्टर के बारे में तो आप लोगों को पता है, बहुत ही खतरनाक करेक्टर है। अभी के टाइम सीएस के लिए गाइस आप लोगों को 3 सेकंड का जीवन दान मिलता है। वो 3 सेकंड के अंदर अगर आप लोग किसी एनिमी को मार देते हो तो गाइस आप लोग फिर से जिंदा हो सकते हो। तो इसलिए सोनिया करेक्टर के मदद से शॉर्ट रेंज में फाइट लेना बहुत ही इजी हो जाएगा और आप लोग एकदम बिंदास होके बिना कोई डर के बंदे के साथ फाइट कर पाओगे। तो इसलिए सोनिया करेक्टर मस्ट भी इम्पोर्टेंट है इस कॉम्बिनेशन में। उसके बाद गाइस लास्ट में इस कॉम्बिनेशन में आप लोगों को लेना है छोटा करेक्टर को। भाई बहुत ही खतरनाक करेक्टर और सीएस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गाइस इसके मदद से आप लोग बंदे को नॉक या मार दोगे ना तो गाइस तुरंत आप लोगों को एचपी देखने को मिलेगा, जो आप लोगों को सेकंड बंदे के साथ फाइट करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बहुत बार ऐसा सीन होता है हम लोग एक बंदे के साथ फाइट करते हैं, हम लोग उस फाइट में बंदे को तो मार देते हैं लेकिन हम लोगों का एचपी खत्म हो जाता है, तो उस टाइम हम लोगों को मेडिकेट मारना होता है। लेकिन अगर झूठा कैरेक्टर होगा आपके पास तो आपको और मेडिकेट मारने की जरूरत नहीं होगा, आप बंदे को मारने से आप लोगों का एचपी फुल हो जाएगा। तो इसलिए झूठा कैरेक्टर मस्ट बी इंपॉर्टेंट है इस कॉम्बिनेशन में। तो इस कॉम्बिनेशन को लेके गाइस बहुत सारे प्रो प्लेयर खेलते हैं, आप भी एक बार ट्राई करके देखो। ओके, तो गाइस हम लोगों का जो 4 नंबर पॉइंट है वो तो गाइस बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो है गाइस स्लो डाउट। गाइस ये ना सीएस रैंक में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप लोगों के पास अच्छा लोड आउट रहेगा तो गाइस आप लोग कोई भी सिचुएशन में किसी भी तरह कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को भी एक्टिव कर सकोगे एंड कोई भी सिचुएशन में ओपी तरीके से खुद को भी बचा पाओगे, बहुत कुछ कर पाओगे इससे, ठीक है। तो इसलिए गाइस आप लोगों को लोड आउट में लेना क्या है ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद पॉकेट मार्केट ले सकते हो, ठीक है। और गाइस उसके बाद आप लोगों के टीममेट में कोई एक बंदा क्या लेगा मैं बाद में बताता हूँ, पहले आप लोगों को ये बताता हूँ पॉकेट मार्केट से क्या फायदा होता है। गाइस अपडेट के बाद पॉकेट मार्केट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। देखो सीएस रैंक में बहुत बार ऐसा सीन हो जाता है, हम लोग ओरियन करेक्टर को चार्ज करने के लिए मशरूम खरीदने जाते हैं लेकिन हम लोग के पास पैसा नहीं होता, तो उस टाइम गाइस आप लोगों को पॉकेट मार्केट हेल्प करेगा। पॉकेट मार्केट ओपन करके इधर से आप लोग लेवल 4 का मशरूम ले सकते हो गाइस, बहुत ही ओपी चीज है। और गाइस और एक पॉकेट मार्केट एक तरह से डिस्काउंट शॉप है, मतलब इसमें आप लोगों को बहुत ही आसानी से चीजें मिल जाएंगे बहुत ही कम दाम में, लेकिन लिमिटेड है। आप लोग बस 2 बार ही इसको यूज कर पाओगे पूरे मैच में। बहुत बार हम लोग ओरियन यूज करते करते बहुत बार फर्स्ट टाइम ही हम लोग ओरियन को यूज करते हैं, मतलब राउंड की स्टार्टिंग में, तो उस टाइम लास्ट में ना ओरियन को चार्ज करने के लिए हम लोगों के पास मशरूम नहीं होता, तो उस टाइम भी आप लोग मशरूम खरीद सकते हो। आप लोगों का मशरूम सिर्फ एक बार ही खरीद सकते हो पूरे राउंड में, ठीक है। लेकिन अगर सपोज आप लोगों ने पहले पहले टाइम मशरूम खरीद लिया तो उस टाइम गाइस आप लोग बॉनफायर खरीद सकते हो, उससे भी आप लोग ओरियन को चार्ज कर सकते हो। एंड बहुत बार ऐसा सीन होता है हम लोगों के पास ग्लोअल खरीदने के लिए पैसा नहीं होता, या तो हम लोग सिर्फ एक ही ग्लोअल खरीद सकते हैं ऐसा पैसा होता है, तो गाइस उस टाइम भी आप लोग अगर पॉकेट मार्केट यूज करके उधर से ग्लोअल खरीदने जाओगे तो ग्लोअल उधर से आप, तो वो बहुत ही ओपी चीज होता है। और गाइस बहुत बार हम लोग फाइट करते करते हम लोगों का मेडिकेट खत्म हो जाता है, तो उस टाइम लास्ट में ना मेडिकेट मारने के लिए मेडिकेट नहीं रहता, तो उस टाइम भी पॉकेट मार्केट को यूज करके आप लोग सुपर मेडिकेट खरीद सकते हो जो कि बहुत ज्यादा ओपी है। तो गाइस इस तरह आप लोग पॉकेट मार्केट को यूज करके एकदम ओपी तरीके से गेम प्ले करके हर एक मैच जीत सकते हो। ओके, तो गाइस अभी बढ़ते हैं 5 नंबर टिप्स की ओर जो कि है कमबैक राउंड। गाइस बहुत बार ऐसा सीन होता है कि सामने वाले एनिमी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो लोग 1-2 राउंड आराम से जीत जाते हैं, तो उस टाइम आप लोगों को कैसे कमबैक करना है ध्यान से सुनना। देखो आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, आप लोग हमेशा रैंडम बंदे के साथ खेलते हो या तो खुद का स्क्वाड हो, आप लोग गलती करते हो कि आप लोग अकेले अकेले इधर उधर चले जाते हो। आप लोगों को ऐसा कभी नहीं करना, आप लोगों को हमेशा एक साथ जाना है
और एक साथ जाके फटाक से पूरे स्क्वाड के ऊपर रश नहीं करना। आप लोगों को ढूंढना है सामने वाले स्क्वाड के बंदे का पोजीशन, मतलब कौन सा बंदा कहां पर है, ठीक है। तो जब भी आप लोग देखो कि एक दो बंदे इधर उधर है, मतलब एक बंदा अलग अलग है, तो गाइस आप लोग चार बंदे मिलके एक बंदे को मारने के लिए जाओ। तो उस टाइम क्या होगा, आप लोग चार बंदे मिलके एक बंदे को मार दोगे तो उनका रहेगा तीन बंदे, आप लोगों का रहेगा चार बंदे। उसके बाद फिर से और एक बंदे को ढूंढो, उसको भी चारों बंदे मिलके मार दो, उसके बाद क्या होगा, उनका रहेगा दो बंदे और आप लोगों का रहेगा चार बंदे। तो गाइस आराम से दो बंदे को चार बंदे मिलके फिनिश कर पाओगे, तो उस टाइम इजीली आप लोग राउंड को जीत सकोगे। तो ऐसे करके स्ट्रेटेजी यूज करके आप लोग आराम से हर एक राउंड को जीत सकते हो। और अगर आप लोगों से ये भी नहीं हो रहा तो गाइस और एक ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से सुनो। आप लोगों को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, देखना है कि सामने वाली टीम से कौन सा एक बंदा सबसे अच्छा खेल रहा है। हर एक टीम में एक बंदा होता है जो सबसे अच्छा खेलता है, तो आप लोगों को उस बंदे को नोटिस करना है और देखना है, ढूंढना है, एंड चारों के चारों बंदे मिलके उसके ऊपर रश करना है, उसको पहले मारना है। उसको अगर आप लोग मार दोगे ना तो आराम से आप लोग पूरे स्क्वाड को भी मार सकोगे। गाइस ये ट्रिक्स ना पर्सनली मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ। गाइस ये पांच टिप्स अगर आप लोग गेम पे अप्लाई करते हो तो गाइस आप लोग ना आराम से ग्रैंड मास्टर मास्टर पहुंच जाओगे अगर चाहो तो, ठीक है। और गाइस जो आप लोगों को मैं ग्लिच बताने वाला था पीसी प्लेयर का, वो आज नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के सबसे पहले बताऊंगा और वीडियो आप लोग टेंशन मत लो, कल ही आएगा। तो गाइस मैं आप लोगों को उस वीडियो के सबसे पहले बताऊंगा, तो प्लीज यार वीडियो जरूर देखना। और गाइस ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताना, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज यार लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो मेरे भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है ना उसको ऑल पे सेट कर देना। सो गाइस मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल।